ये देखो दूसरे रूम में लेट रहा है रुद्रांश। ये देखो आप लोग अपने मालिक के साथ बैठा है, दूसरे रूम में आ गया है अभी, उसमें इसका मन नहीं लग रहा है ना। पैर तो सही कर ले ये। बैठ जा थोड़ी देर। देख आराम से, आराम से, एक हाथ पे जोर मत दे, एक पे, हाँ ऐसे बैठ धीरे से। हेलो कर दे रुद्रांश। अब कैसा फील हो रहा है पहले से? हाँ पहले से बेटर है। देखो कैसी हालत हो गई है, दिखा हाथ हटा और ये हाथ सीधा कर, ये वाला सी, हाँ सीधा कर ले, अभी इंजेक्शन लगेंगे ना। सीधा मतलब वही, ताकि ये तेरी जो ये इंजेक्शन लगेगा तो ये सही रहे, कैनवला खराब ना हो, है ना? क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं बता? कैनल बोलते हैं और भाई पता ही नहीं हमें तो, हमें पता ही नहीं है भाई। देखो कैनवला कहिए मैंने तो। अब भाई कुछ गलती से भी वो हो जाए, अब हमें जिस चीज हमें पता ही नहीं है, वैसे हमने सही बोलने की कोशिश करी है। हाँ गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रुद्रांश की तबीयत तो आपने देख ही ली है, पहले से थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है, पर इंजेक्शन अभी लगी रहे हैं। मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में कि रुद्रांश को थोड़ा सा जॉइंडिस और टाइफाइड हुआ है, तो उसी का ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा है। तो बिल्कुल ही इसका परहेज़ बता दिया है, चिकनाई की चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी है। तो मैं मम्मी और रुद्रांश की बिल्कुल ही उबली हुई खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी की भी कई दिनों से पेट में प्रॉब्लम चल रही है। वो घूमने चली गई थी तो फिर पहले प्रॉब्लम ठीक हो गई थी, लेकिन फिर दोबारा से वही प्रॉब्लम शुरू हो गई है, उन्हें पेट में दर्द है। तो खाना बनाने के साथ मैं यहाँ पे लग गई हूँ अपने रुके हुए कामों को करने के लिए। तो ये कई दिन की मेरी मलाई हो गई थी, सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि रुद्रांश का काम हो गया प्लस घर का काम हो गया, तो ये काम नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि रुद्रांश को भी थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने के लिए देना पड़ता है। वो वैसे तो खा नहीं रहा है पर उसे देना पड़ रहा है। और एक नई समस्या और आ गई है फ्रेंड्स, कि रुद्रांश को जो ये दवाइयाँ चढ़ रही है ये इतनी गर्म है, इतनी गर्म है कि उससे रुद्रांश की पूरी जीभ और गला आ गया है, यानी कि गले में और जीभ में छाले हो गए हैं, जिससे कि वो कुछ भी खा पी नहीं पा रहा है। अगर मैं उसे कुछ खिला रही हूँ तो उसके साथ मुझे लगभग घंटों की मेहनत करनी पड़ रही है कि बेटा ये चीज़ खा ले कोई बात नहीं, क्योंकि पेट में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और दवाइयाँ भी गर्म हैं जो ये टाइफाइड की चल रही हैं। और बिल्कुल सीधे रूप में तो कोई भी चीज़ खा ही नहीं रहा है, जैसे कि चीकू है। अगर चीकू, वैसे मैं एक दो दिन पहले तो वो बिल्कुल खा रहा था ठीक, तो लग रहा था कि थोड़ा सा ठीक हो गया है, चीकू भी नहीं खा पा रहा है। अब उसे शेक सा बना के मैं दे रही हूँ, थोड़ा सा दूध डाल के, और जो ये मैं चावल और दाल की खिचड़ी जो बना रही हूँ, तो इस टाइम तक तो जो मैं अब आपको वीडियो शूट कर रही हूँ, इस टाइम तक तो वो थोड़ा सा खा रहा था। इसके बाद में अब उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है जब भी मैं खाना खिला रही हूँ उसे, कि मुझे उसको ग्राइंड करके खिलाना पड़ रहा है सारी चीज़ें, क्योंकि वो ऐसे खा ही नहीं पा रहा। उसकी पूरी गले में और मुंह में पूरे में छाले हो गए हैं, जिससे कि इतनी परेशानी हो रही है, बिल्कुल बच्चा देखा नहीं जा रहा, क्योंकि कुछ खा पी भी नहीं रहा है। अगर खाता रहे तो कोई बात नहीं, क्या ये है कि बच्चा चलो बीमार है तो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा, लेकिन अब तो बिल्कुल ही उससे बोला भी नहीं जा रहा, इतने ज़्यादा छाले बाहर आ गए हैं। और डॉक्टर ने भी कहा है कि धीरे धीरे, जैसे कि अब ये दवाइयाँ बंद होगी तो अपने आप ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। हालांकि उसने दवाई लगाने के लिए दी है, लेकिन उसे लगा रहा है तो उसके बाद उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसी से सब कुछ हो रहा है, तो वो उस दवाई को भी नहीं लगवा रहा है, इतना चिड़चिड़ा हो गया है बीमार होने के बाद। समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कैसे उसको हैंडल करूँ, क्योंकि फिर रोने लगता है, अगर मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती करती हूँ तो रोने लगता है उस हिसाब को देख के। और अभी दो दिन हो गए हैं टाइफाइड की जो दवाइयाँ वो चढ़ते हुए, अभी 3 दिन और है जब इसे इंजेक्शन लगेंगे, और उसके बाद फिर उसके सारे टेस्ट होंगे और फिर पता चलेगा कि कितना रिकवर हुआ है। क्योंकि उसे हाई फीवर अब भी आ रहा है, दवाई देने के बाद भी उसे हाई फीवर हो ही जा रहा है, सुबह शाम तो बिल्कुल ही चढ़ता है, एकदम लाल मुँह निकल के आ जाएगा, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद अपने आप नॉर्मल हो जाएगा।
तो डॉक्टर कह रहे हैं कि ये इस टाइफाइड में हो ही जाता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन जो हाई फीवर जो ज़्यादा हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसको पूरा कोर्स जब भी कंप्लीट हो जाएगा टाइफाइड का, तो उसके बाद से दोबारा इसके जो टेस्ट है वो कराए जाएंगे, उसी के बेस पे कि कितना इसको टाइफाइड, बाकी की जो दवाई है वो इसको चढ़ाएंगे। तो बस जी, मैं अब शाम के खाने की तैयारी कर रही थी, तो मम्मी और रुद्रांश की मैंने बना ली है खिचड़ी, और हमारी दोपहर के को थोड़ी सी सब्जी रखी थी, तो मैं उसके साथ साथ ही बना लूँगी यहाँ पे चटनी। तो जैसे मैंने दूध भिलोया था आज, तीन कितने ही दिन की मेरी मलाई रखी थी, काफ़ी टाइम की, क्यों रुद्र बीमार हो गया तो फिर मैं भिलो ही नहीं पाई थी, तो अब मैं साथ के साथ ही उस मक्खन का घी बना दूँगी, क्योंकि मक्खन कोई खा ही नहीं रहा था और स्मेल हो जाएगी, तो फिर इसीलिए मैं उसे मक्खन को जो है पिघला रही हूँ, और साथ में ही मैं बना रही हूँ यहाँ पे चटनी। तो सिलबट्टे की चटनी बना रही हूँ, तो अपनी तो मैं धनिया पुदीने की चटनी बना लूँगी, और अनिकेत वो नहीं खाता है, तो उसके लिए मैं धनिया हरी मिर्च और उसमें दही डाल के चटनी बनाऊँगी। तो इस तरह हमारा शाम का डिनर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जब बीमार होते हैं तो कोई चीज़ ऐसी बनाई खाई भी नहीं जाती, और हमारे में तो थोड़ा ज़्यादा ही है कि चाहे ये इंग्लिश ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन फिर भी घर में वही सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, छौंक नहीं लगाया जा रहा है, सारे घर में नीम की टहनियाँ लगाई हुई है मम्मी ने, और बिल्कुल ही जो तला भुना ये चीज़ें नहीं बन रही हैं, क्योंकि टाइफाइड जो है वो माता का ही रूप होता है, और इसमें वो सारे ही नियम फॉलो किए जा रहे हैं जो हमारे पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, क्योंकि मम्मी कहती है कि जो अब डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन ये रूल भी फॉलो करने चाहिए। उसके गले में सोने चांदी की चीज़ पहनाई जाती है ताकि बच्चा डरे ना, और हाथ में उसके राई और पता नहीं मम्मी ने कई चीज़ें बांध रखी हैं लाल कपड़े में करके, और नीम तो सारे घर में टाँग ही रखा है, और बस भगवान से यही कोशिश कर रही हूँ कि हे मेरे प्रभु, मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है ना तो फिर मन नहीं लगता, चाहे हम सारा दिन काम करते हैं लेकिन माइंड में वही चीज़ आती रहती है कि पता नहीं रुद्रांश का अचानक इतना बीमार कैसे हो गया। तो कभी भी इतना बीमार नहीं हुआ, इसलिए आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए दुआ करें, प्रेयर करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए, हंसता खेलता रहे। ये देख, इतनी तो खानी पड़ेगी बेटा, इतनी तो खानी पड़ेगी, नहीं सही कैसे होगा फिर, अपने हाथ से खा, मैं खिलाऊंगी लेकिन पहले अपने हाथ से खा, मैं वीडियो बना रही हूँ। मम्मी वो तो नहीं हो जाएगी कोई दिक्कत, थोड़ा थोड़ा खा, आके दिखा एक। हेलो, खालो भाई, देखो माँ जी को भी पता है कि भाई हमारे व्यूवर्स देखते हैं, खा ले, ऐसे मत कर, शुरू कर खाना, अब मैं खिलाऊंगी या मम्मी माँ जी खिलाएंगी, ले। इस चीज़ की है, बाजरे की। बाजरे की खिचड़ी देंगे कोई तेरे को हम गर्मियों में।
और ये क्लिप उससे अगले दिन की है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। रुद्रांश की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, मैंने आपको बताया ही था। उसका सारा जो मुंह है उसमें छाले हुए पड़े हैं, खा पी नहीं रहा था, ग्राइंड करके खिला रही हूँ। तो उसके डैडी जो डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी है वो दे रहे थे उसे। और ये मेरी बड़ी वाली ननंद आई है रुद्रांश को देखने के लिए, बच्चे भी आए हैं, तो गर्मी की छुट्टियाँ भी हो रही हैं, तो बस अब रुद्रांश की वजह से ही थोड़ा सा सब दुखी है। नहीं तो इस टाइम पूरा इंजॉय करते हैं, बच्चे आते हैं, नंदे आती हैं, और रुद्र की वजह से बस थोड़ा सा मन थोड़ा उदास है। और बच्चे तो देखो फिर भी शरारत कर रहे हैं। अब देखो रुद्रांश की रिपोर्ट के, अब दो दिन दवाई और चढ़ेगी और फिर दोबारा से टेस्ट होंगे, रुद्रांश की रिपोर्ट में क्या आता है फ्रेंड्स। तो ये था छोटा सा व्लॉग जो मैं थोड़ा थोड़ा करके शूट कर पाई। जो कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे बच्चे के लिए प्रेयर करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर ले, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे व्लॉग का आना इस टाइम पे हो जाएगा, क्योंकि आप लोग समझते ही हैं जब बच्चा बीमार होता है तो फिर मन नहीं करता कोई भी चीज़ करने का। और रुद्रांश की सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि मम्मी भी उसको हैंडल नहीं कर पा रही है जो चीज़ खाने में खिलाने में, तो वो मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा डांट डूट करके उसे खाना खिला रही हूँ, बिल्कुल भी उस पर खाना खाया नहीं जा रहा। और फिर भी भगवान पे यकीन है कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा और उसी तरह के इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।